तो सर ये अभी घोड़ी है? हाँ सर, ये घोड़ी नहीं बोल सकते, ये फिली है अपने पास में, बच्ची है अभी भी। और इसके तीन पैर सफेद है? इसके दो पैर एक बाजू के सफेद है और माथे पे फूल है। फूल है सर। सर आपके पास में अधिकतर घोड़िया माथे पे फूल वाली है? नहीं सर, मेरे पास में सब तरह टाइप की घोड़िया, मेरे पास में दो तीन अलग बताई आपको, मैंने तीन घोड़िया पट्टे वाली बताई और दो तीन तीन घोड़िया मैंने आपको माथे फूल वाली बताई। ओके, और क्या चाहिए? बाकी बाप कौन है सर इसका? सर इसका बाप है जो बनासकांठा में खड़ा है घोड़ा, राजवीर करके। राजवीर? हाँ, वो है जो तुम्हारा राज सिकरे वाले का बच्चा। और माँ की बात करें तो? माँ है सर इसकी राजहंस लाइन की। राजहंस लाइन की? हाँ, वही घोड़े के ओनर के भाई के पास में उसकी माँ अभी भी खड़ी है, उसकी ये बच्ची है सर। ओके, राजहंस लाइन की। तो अपने पास सर कितना टाइम हो गया इसको? मेरे पास में सर आके अभी, जब अपना घोड़ी तो मेरे पास में नवंबर से थी, लेकिन मैंने घोड़ी गुजरात में रख दी थी। गुजरात में रखी हुई थी? हाँ, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था उसको शो कराऊँ, बाद में थोड़ा सा मैंने शो करने के लिए दिमाग में लाया पर वापस कैंसिल करके फिर मैंने घोड़ी पुनः मंगा ली। तो सर जब आप घोड़ा घोड़ी देखने के लिए जाते हो तो कैसे पता चलता है कि भाई उसके पास में वो माल खड़ा है? कैसे नहीं पता सर, करते वो हो? सब कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है अच्छी घोड़ियों के लिए, थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा खुलना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़े से पुराने रिलेशन काम में आते हैं सर। कोई खुल के तो फर्स्ट टाइम बताता नहीं है, लेकिन पुराने वाले रिलेशन थोड़े से काम में आते हैं कि हाँ ये सही है। फिर जो ओनर से निकली है उसको पूछना पड़ता है, जो ओनर से पास से ये कवर होके गई इसकी माँ, उसकी भी जानकारी लेनी पड़ती है कि भाई ये बच्ची सही में तेरे घोड़े की है क्या, या तेरा रेपुटेशन आगे जाके हम खराब कर रहे। तो वो बोलता है टोटके नहीं है, मेरे घोड़े की बच्ची है, मेरा नाम बनने वाला है, आप खुला बोलो तो फिर अपने को भी उसकी पहचान हो जाए, 100% अपने को पहचान हो जाती है। तो सर जब घोड़ा घोड़ी लेने जाते होगे तो कभी कभार तो मेरे को लगता है खाली हाथ भी लौट के आना पड़ता होगा, कुछ मिलता है? बहुत टाइम हो जाता है खाली हाथ आना पड़ता है, कभी काम बनता है कभी सर काम नहीं बनता है, पर लेकिन दोस्तों से मुलाकात तो हो जाती है सर, उसी बहाने मेल जोल तो हो जाता है, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है। तो सर फार्म से अभी अपने घोड़ा सेल परचेज करते हैं क्या? सर फार्म से सेल परचेज बहुत कम होता है मेरे, 70% तो मेरा सब लाइकली स्टॉक है करके जरा थोड़ा जान नहीं होती देने के लिए या कुछ ऐसा, इसमें रुक जाते घोड़े, लेकिन कम ही सर, बहुत कम। क्योंकि अभी जिस भी फार्म पे जाओ हर फार्म वाला बोलता है कि यार ये सेल के लिए है, बोलता नहीं है। जब हर कोई भी अगर सब यही बोलेंगे कि सेल के लिए नहीं है तो फिर लोग घोड़ा घोड़ी उनके लेके आने का, मैं पूछ रहा हूँ है, मैं पूछ रहा हूँ फिर ढूंढ के काहे किस लिए लेके आने का? सेल को ये है, सेल को वो है, सेल के लिए है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो जिसके घर में उसके दो पैसा कमाने दो ना, तो आप लाओ। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी फार्म हो चाहे से इंडिया का, हर माल सेल के लिए है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, फिर तुम इतने जाते हो राजस्थान गुजरात, हम लोग जाते हैं उनके घर में, उनके दो पैसा कमाने दो ना, उनके पास से लाने का भाव करके फिर इधर लाके वापस उसको बड़ा चढ़ा के बेचने का, फिर सेल परचेस का काम क्यों करने का? क्या सही क्या गलत है? बिल्कुल। फिर आपको बुलाओ, फिर आपके सामने बोलो कि नहीं नहीं सर कोई मांगे तो देंगे, नहीं तो फिर वैसा तो अपना मन है नहीं। फेसबुक पर लिखना पड़ता है नॉट फॉर सेल। हाँ, उसका मतलब ये कि बिका हुआ है ये बात। मैं बोल रहा हूँ ना, जो नॉट फॉर सेल रहता तो पहले बिकता है। बिकता है ना। सेकंड थिंग क्या होता है, अभी हम एक किसान के पास से घोड़ी लेके आए, बेचारा उसका हक है इसके ऊपर, हमको अच्छी लगी हमने भाव करके निकाल के लेके आए, हमारे यहाँ घर पे लाके उसकी सेवा अच्छी की, बनाए, उसकी हाइट बढ़ी, सब हुआ, प्रपोर्शन अच्छा हुआ। फिर बाद हम कस्टमर देखेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, आपको बुलाएंगे, जोर से उसकी कारागिरी करेंगे, सब उसको पब्लिसिटी करेंगे, फिर दो चार फोन आएंगे, फिर एक को बोलेंगे नहीं, एक को बोलेंगे हाँ, फिर जो अच्छी बोली लगा उसके घर में घोड़ी भर के भेज देंगे, क्या मतलब है सर? ये तो वही वाला हाल हो गया जैसे वो फिर मैं वही तो आपको बोल रहा है कि जिसका हक है उसका पहला खाने दो ना, उसका हक मार के अपने को कितने पैसे मिलने वाले सर? ये तो वही वाला हिसाब हो गया मेरे को लगता है आज के टाइम में, जैसे वो कब्जा वाला नहीं हो जाता। बस वो कब्जे की जमीन पे लोग बोली लगाते हैं, बहुत इकट्ठा करते हैं, है ना, कि प्रदीप जी की डिस्कवरी बहुत अच्छी। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नॉलेज का भी एक पार्ट है ना सर। अब नॉलेज क्या जो सर अपन जो सच है वहाँ से सर चालू हो जाता है सर, जो सच है वो बोलने का, वो लिंकिंग चालू हो जाती है सर। अब आदमी झूठ बोले वो आप अलग है, पर अपने को सच बोलने का। अभी आपके सामने बोलूंगा ये सेल को नहीं है, कल परसों कोई आपका वीडियो देख के या कोई मेरा कनेक्शन निकल के फोन करेगा ना ये घोड़ी सेल करने की है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई क्यों नहीं करने की, तो आप झूठे रहे क्या? मैं तो कहूंगा मैं झूठा रहे हो गए आप, तो वो चीज नहीं है सर। जो देना है तो ठोक के दो उसके साथ में, दिल खोल के दो, और जो लेना है तो उसके घर पे जाके ठोक के मांग के लो कि मैं संभालने के लिए ले रहा हूँ या मैं धंधे के लिए ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। घोड़ा घोड़ी में भी मेरे को सर एक चीज़ और मेरे को लगती है कि आजकल जिसका घोड़ा घोड़ी है वो रेट कम बोलता है,
यानी वो बोलता है तुम बताओ। हाँ, फिर वो सामने वाला सामने से वो क्या होता है सर, इसका खाली एक ही है ना, ऑटोमोबाइल में सबके जगह गाड़ियों के ब्रांड है और सबके लेबल लगे हुए हैं, इसका कोई लेबल नहीं है, वो बड़ी दिक्कत है। कुछ आदमी खुद ही लेबल तैयार कर देता है, कल अलग आज अलग परसों और अलग। मेरे को लगता है कि कभी बार तो खुद ही रेट भूल जाता होगा कि उसको क्या रेट बताया था मैंने और उसको क्या रेट बताई थी। ये तो 100% बात सही क्योंकि है। रेट का घोड़ा घोड़ी को ऐसे क्या रहता है कि मुंह में जो आ जाए वही है। हाँ, और लेकिन प्रदीप भाई कितना भी कुछ कर लो, मुझे आज चाहिए मेरे को ये बेचने की, तो ये गुड़िया आज बिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस टाइम तक उसका दाना पानी मेरे यहाँ लिखा है उस तब तक वो आपके यहीं खाना है उसको। जिस दिन मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा कि नहीं भाई मेरे को नहीं सेल करने की, उस दिन कोई ऐसा बंदा आ जाएगा, कोई मेरे को ऐसी तकलीफ हो जाएंगे, मैं घोड़ा घोड़ी बेच के बाजू हो जाएगा, फिर बाद में मैं पछता तो बैठूंगा यार मैंने क्या किया। और कभी कभार तो मेरे को लगता है इतनी तुरंत घोड़ा घोड़ी बिक जाता है जिसकी आपने सोचा ही नहीं हो। सुबह बात हो जाती है, दोपहर को घोड़ी भर जाती है, उसके घर में अच्छे से उतर जाती है, अपने घर से टेम्पो में एक फर्स्ट क्लास में चढ़ जाती है। पर आजकल के घोड़े वाले भी सियाने हो गए, वो तुरंत डील होती घोड़ी भरवा लेते कि साला पलट नहीं जाए सर। हाँ, पलट भी नहीं जाते, पैसे भी सर देते हो वो लोग हक से। फिर पुराना वाली बोलता है कल फोन करके, मेरी घोड़ी मेरे को वापस देते हो क्या, तो उसकी कीमत भी कायम रहती है। इसलिए सौदा होते ही तुरंत घोड़ी भरवा, घोड़ी भर जाती है सेकंड डे। फिर परसों महीने के बाद मालिक पहले वाला फोन करता है, मेरी घोड़ी मेरे को देता है क्या। बहुत से तो ऐसा तो उसको भी अच्छा लगता है। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं जैसे उनको लगता है कि भाई हमारा सौदा होने वाला है, फार्म के बाहर ही अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। जैसे बोलता है यस, मतलब भाई गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, क्या होता है दिक्कत। वो पंजाब बिंजाब वाले कर देते हैं सर वैसी चीज की, फटक से। लेकिन कुछ कुछ चीज मिलती है सर, रिलेशन में से मिलती है, कुछ कुछ चीज मिलती है अपने यहाँ पे, उसका दाना पानी लिखा रहता है, और कुछ कुछ चीज अपने हाथ से सर जाती है तो उसके अपने नसीब में रहती भी नहीं है बिल्कुल। और कई फटक से एक आधा सौदा हो गया तो अपने को उस दिन में क्या चक्कर आती है, क्या गनगन होती है, अपने दिमाग में समझ में नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन बाद मेरे को लगता है अफसोस भी होता है यार, मैंने क्या, क्या करके बैठा, मैं दे दिया, क्यों दी, कैसी दी, ये तकलीफें आती ही रहती सर घोड़ो वालों को। बाकी सर नाम क्या रख रखा है इसका? सर इसका नाम है कंगना। कंगना, हाँ। पिक्चर ज्यादा और अभी भी ये सर मिल तित में चल रही है। कंगना की पिक्चर ज्यादा देखी थी क्या? अरे सर कंगना की पिक्चर नहीं ज्यादा रखी थी, तो उसका पहले का ही नेम होता। अच्छा, पहले से ही पहले से उसका नाम होता, वही नाम को फॉलो कर दिया। और सेकंड थिंग है, अभी भी मिलती थे चाहिए तो दांत खोल के भी देख सकते। दिखाओ सर एक बार, देखो ये दांत। ओके, हाँ, क्योंकि हमारे क्या है जो लोग रात को वीडियो देखते हैं ना सर, वो ज्यादा समझदार रहते हैं। नहीं चलेगा ना सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए दांत भी दिखाए, क्योंकि क्या होता है घोड़ी जरा थोड़ी मोटी दिखती है, आदमी बोलते झूठ बोल गए। ओके सर, थैंक ओके सर ओके।